तो हेलो गाइस, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका पबजी लाइट के कौन बेहतरीन गेम वीडियो में। अब गेम प्ले देखने से पहले यार आप लोग को यार हैप्पी न्यू ईयर, और मैं होप करता हूं कि आपका जो ये साल है ना वो काफ़ी तगड़ा जाए, मतलब मज़ेदार फुल इंजॉय करो आप इस साल। फिलहाल गेम प्ले की बात करें तो मैं थर्ड हिल उतरता हूँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ। अब सामने देख सकते हो यार बंदे उतर चुके हैं, तो उनको मैं पकड़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और उस बंदे को इंस्टेंटली फिनिश भी कर देता हूँ। अब पीछे तरफ भाई यार देख सकते हो एक बंदा भगा हुआ है, तो उसको पकड़ने के लिए यार मैं सीधा ब्लू बिल्डिंग पे ही चला जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लगता नहीं कि उसके पास कोई गन होगा। तो मैं फटाक से चढ़ता हूँ और पकड़ते हैं फिर। अब इस बंदे को भी मैं ईजिली डाउन कर देता हूँ, लेकिन देख सकते हो यार मिनी मैप में काफ़ी ज़्यादा फुटी स्टेप आ रहा था, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई मेरा किल चोरी हो, इसलिए मैं इस बंदे का मतलब किल कंफर्म कर लेता हूँ। अब नीचे साइड से जो बंदों का फुट स्टेप आ रहा था ना, उनको मारने के लिए मैं भाई टीपीपी लेने लगता हूँ, लेकिन भाई धीरे धीरे वो जो फुट स्टेप था ना वो कम होते जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदे इधर से निकल चुके हैं, तो बाहरी साइड भागे होंगे करके मैं ऐसे ही स्पॉट करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस बंदे के पास S12K होगा करके मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर जैसे तैसे अपन S12K वाले बंदे को मार देते हैं। अब मेरे पास भाई उतना अच्छा लूट नहीं था, तो मैं इस S12K वाले बंदे का ही पेटी लूट लेता हूँ। अब मेरे पास ठीक ठाक लूट तो हो गया है, और सामने साइड से भी बंदे फायरिंग कर रहे थे, तो मैं भाई ऊपर छत से उनको एंगल बना के मारने के लिए इधर ही साइड से आ जाता हूँ। अब छत में आता हूँ यार, तो मुझे राइट साइड में ना एक बंदा ऑफलाइन दिखता है। अब इस बंदे को मारने के बाद यार जो बंदे सामने साइड फाइट ले रहे थे ना, उन बंदों को भी पकड़ते हैं। और यहाँ पे जो मैंने थर्ड पार्टी किया है ना भाई, उसके लिए तो एक लाइक बनता है। अभी तक आप लोग इस वीडियो को इतना दूर तक देख लियो और लाइक बटन नहीं दबाए हो ना, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, क्योंकि फ्री का लाइक है यार। और बाकी चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी गेम वीडियो डेली देखने के लिए। फिलहाल इन बंदों का लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं थर्ड से निकलने वाला था, लेकिन उतने में यार सामने वाले घर से कुछ बंदों का फुट स्टेप आने लगता है, तो मैं भाई वेट करता हूँ इनके कुछ भी गलती करने का, क्योंकि मुझे तो उनका लोकेशन पता है लेकिन उनको भाई मेरा लोकेशन पता नहीं है। तो मैं बस वेट कर रहा था कि कोई बंदा थोड़ा सा गलती करे। अब भाई मैंने फायरिंग साउंड दे दिया है, तो उनको मेरा लोकेशन पता चल चुका है, लेकिन ये बंदे फिर भी भाई मेरे को इग्नोर करते हैं। और देखो एक बंदा ओपन से ही निकलने लगता है। और लो भैया इस बंदे को तो नॉक कर दिया। अब इसका टीममेट अभी भी इसी घर पे बैठा पड़ा है, तो उसको मारने के लिए मैं एक ग्रेनेड कुक करता हूँ। और इस ग्रेनेड के साथ यार एक टीम पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये बंदा पूरा फिनिश हुआ था। अब ये जो बंदे जिनसे फाइट ले रहे थे ना, उनको मारने के लिए यार मैं इस घर पे आ जाता हूँ, और उतने में यार बगल साइड से मुझे एक बंदे का फुट स्टेप आने लगता है, तो मैं एक ग्रेनेड कुक कर लेता हूँ। अब ये बंदा ग्रेनेड से तो बच जाता है, लेकिन मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, तो भाई घुस के ही पकड़ते हैं इसको। अब इस बंदे को मारने के बाद यार मुझे लगता है कि अब तो थर्ड ईयर पूरा क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन उतने में ही दो बंदे मुझे और स्पॉट होते हैं, जिनमें से एक बंदे को तो मैं नॉक कर ही दिया हूँ, बाकी उसका दूसरा टीममेट वही पास मतलब एक ट्रक टाइप है ना वही पे भगा है, तो मैं उधर ही एक ग्रेनेड रैंडमली फेंक देता हूँ। हालांकि मुझे पता होता है कि इस ग्रेनेड से कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी मैं ऐसे ही रैंडमली फेंक दिया था ग्रेनेड। मैं एक बंदा नॉक कर ही दिया हूँ, तो वो बंदा रिवाइव ना हो जाए करके ना मैं फटाफट भाई यार इस बिल्डिंग पे रश करने चला आता हूँ, लेकिन जैसे इस बिल्डिंग पे इंटर करता हूँ ना, तो ऊपर साइड से बैंडेज लगाने का साउंड आता है और तीन तीन फुट स्टेप आने लगते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि जो बंदे को मैं नॉक किया था वो तो रिवाइव हो चुका है, और भाई यार अगर मैं ऐसे में इनके ऊपर रश करूँगा तो ईजिली मारा जाऊँगा, इसलिए मैं भाई यार थोड़ा आगे साइड आ जाता हूँ। और अब यहाँ पे फायरिंग देता हूँ, तो भाई उनको लोकेशन मेरा पता चल चुका है, और जैसे ही उनको लोकेशन मेरा पता चलता है ना, तो वो बंदे मेरे पर रश करने लगते हैं, तो बस देखो अब इनको कैसे पकड़ते हैं।
अब यहाँ पे मैं बंदों से फाइट लेने के चक्कर में ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया कि भाई कोई बंदा मेरे पर ग्रेनेड कर सकता है, और उसी गलती के चक्कर में भाई मैं मारा जाता हूँ। खैर अब इस गेम में चिकन डिनर नहीं होता तो मैं सेकंड गेम लगा लेता हूँ, और इस गेम में भाई अपना तगड़ा किल के साथ चिकन डिनर होने वाला है। तो बस देखते जाओ, फिलहाल मैं गाड़ी लेने जा रहा होता हूँ, और उतने में देखता हूँ कि यार एक बंदा गाड़ी से ही बॉट मार रहा होता है। फिलहाल इसके बॉट का किल मैं चोरी कर लेता हूँ, और उसका गुस्सा निकालने के लिए ये बंदा मेरे ऊपर रस कर रहा होता है गाड़ी से ही, तो भाई इसको आधे रास्ते पे ही गाड़ी से उतार देता हूँ मैं। अब इस बंदे को आप पेटी में जब चेक करता हूँ ना, तो देखता हूँ भाई इस बंदे के पास कोई लूट था ही नहीं। मतलब बंदे का चौड़ देख रहे हो भाई, लूट नहीं है लेकिन बॉट मारना है। खैर अब इस बंदे को मारने के बाद अपार्टमेंट साइड से फायरिंग साउंड आया था, तो मैं इधर ही साइड गाड़ी लेके आ जाता हूँ, और इधर आते ही यार मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आता है, और वो इसी कमरे पे बैठा होता है। देखो बस इस बंदे को नॉक कर दिया, और इसके टीममेट्स के भी फुटस्टेप मुझे सामने साइड से आने लगते हैं, तो उनको भी पकड़ते हैं। अब इनके तीन बंदे तो मैं नॉक कर दिया हूँ, और इनका चौथा बंदा नहीं दिखता, तो इन बंदों को मैं फिनिश करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब इन बंदों का मैं पेटी लूट रहा था ना, उतने में इनके चौथे बंदे का भी फुटस्टेप आता है मेरे को, और इस बंदे को मारने के साथ यार ये वाला भी स्क्वाड इजीली वाइप हो जाता है, जिसके बाद भाई मैं इनका अच्छा खासा पेटी लूट लेता हूँ, और ठीक ठाक मेरा लूट हो जाता है, जिसके बाद मैं गाड़ी लेके सीधा फिर से बंदों की तलाश करने निकल जाता हूँ। और इधर आते ही देखो बस यहाँ पे भाई यार बहुत तगड़ा भसड़ हो रहा था, और मैं भाई एकदम अचानक से आके रस कर देता हूँ इनके ऊपर। फिलहाल मुझे लगा था कि बाकी के बंदे जो है ना वो मेरे पर रस करेंगे, इसलिए मैं ग्रेनेड कुक कर लिया था, लेकिन कोई बंदा रस नहीं करता तो मैं ग्रेनेड कैंसिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से ग्रेनेड कुक करता हूँ जैसे मुझे लगता है। तो और इस बार का ग्रेनेड तो भाई वेस्ट ही चला जाता है मेरा। जो बंदा मेरे पर रस कर रहा था शायद उसको दिख गया था कि मैं ग्रेनेड कुक कर रहा हूँ, तो वो बंदा भाई नीचे के साइड चला जाता है, जिसके कारण वो बंदा ग्रेनेड से बच जाता है। फिलहाल एक बंदा मैं ऑल डाउन कर दिया हूँ नीचे के साइड ही, तो मैं भाई अब वो बंदा रिवाइव वगैरह ना हो जाए करके नीचे साइड जंप करता हूँ। खैर अब जो बंदे मुझे दिखते जाते हैं उनको मैं नॉक करते जाता हूँ। और यहाँ पे भाई यार देखो अलग ही लेवल का सीन हो रखा है, मतलब कौन कौन से स्क्वाड का बंदा है समझ ही नहीं आ रहा, और ऊपर से मेरा एमओ देख सकते हो इस तरह से आर पार जाने लगता है। तो भाई अब मैं जो बंदे को नॉक किया हूँ ना, उनको फटाफट फिनिश करता हूँ, ताकि भाई यार मेरा किल वगैरह चोरी ना हो। और वैसे तो भाई मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल चोरी हो गया था, इसलिए मैं भाई मेरा एमओ आर पार वगैरह जा रहा था, तो गलत सीन ना होकर के गाड़ी लेके सीधा जोन के साइड ही आ जाता हूँ। और जोन में आती यार देखो मेरा फ्यूल ख़त्म हो जाता है यहीं पे, तो गाड़ी इधर ही मेरे को रोकना पड़ता है। जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, प्लस भाई यार अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं गाड़ी लेने ही जा रहा होता हूँ ओपन से ही, लेकिन उतने में ही देखो क्या सीन होता है। पीछे से कोई बंदा मुझे एसकेएस मारता है, तो उसको स्पॉट करने में ट्राई करता हूँ। थोड़ा बहुत तो डैमेज दे ही दी हूँ इस बंदे को, अब पूरा पकड़ते इसको। यहाँ पे मुझे लगा था कि यार ये दो बंदे होंगे, इसलिए मैं भाई थोड़ा ना एडवांस लेवल का जिगल दे रहा था, लेकिन भाई यहाँ पे मैं थोड़ा देखता हूँ इधर आसपास तो कोई बंदा दिखता नहीं, तो इस बंदे को मारने के बाद मैं गाड़ी ले लेता हूँ इधर सामने से डाके, और रैंडमली भाई गाड़ी घुमाने लगता हूँ जोन में ही, क्योंकि लास्ट बंदा बचा है और वो कहीं पर भी कैंप किया हो सकता है। खैर मैं गाड़ी घुमा ही रहा था, उतने में ड्रॉप के पास मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और इस बंदे को मारने के साथ ही हो जाता है अपना चिकन डिनर। तो गाइस यार ये वाला गेम प्ले आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और हाँ गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया। तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चले गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो के साथ कल वापिस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।